हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, नुवेको विस्टास की ओर से जून क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अनऑडिटेड स्टैंडर्ड ऑन कंसोलिडेटेड दोनों फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है फर्स्ट क्वार्टर का, जो कि कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। करोड़ में नंबर्स है। इंकम 2641 करोड़ का, मार्च 24 में 2940.6 करोड़ का और जून 23 में 2814.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन है। एक्सपेंस 2635.9 करोड़ का, मार्च 24 में 2785.6 करोड़ का और जून 23 में 2791 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस भी डाउन गया इनकम के अकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 करोड़ का, मार्च 24 में 155 करोड़ का और जून 23 में 23.7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिल रही है। EPS की बात करेंगे तो कंपनी का जो EPS, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 2.8 करोड़ का, मार्च 24 में 100 करोड़ का और जून 23 में 14.4 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। EPS कंपनी का है इस बार का, अगर देखा जाए तो कंपनी जो EPS पेश किया 0.08 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। सेगमेंट वाइज सीमेंट, रेडी मिक्स, कॉन्क्रीट एंड अदर्स, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन है 13.25% का, प्रॉफिट मार्जिन है 0.11% का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में फॉल देखने को मिल रही है। स्टैंडलॉन में इनकम है 2206 करोड़ का, मार्च 24 में 2521 करोड़ का और जून 23 में 2294.5 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर का भी इनकम में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंस कंपनी का हुआ है 2172.7 करोड़ का, मार्च 24 में 2391 करोड़ का और जून 23 में 2285 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर देखा जाए तो डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी एक्सपेंस डाउन देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33 करोड़ का, मार्च 24 में 129.7 करोड़ का और जून 23 में 9.2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। लेकिन गाइस, कंपनी का नेट प्रॉफिट 21 करोड़ का, मार्च 24 में 84 करोड़ का और जून 23 में 6.1 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 0.61 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। तो गाइस, कंपनी का सिर्फ ईयर ऑन ईयर की स्टैंडर्ड ऑन वो भी सिर्फ प्रॉफिट में इंक्रीज किया, लेकिन कंसोलिडेटेड का ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में डाउन है और इनकम तो गाइस बहुत विधा से गिरावट आई। तो गाइस कह सकते हैं कंपनी का रिजल्ट बहुत ही वीक पेश किया, बहुत ही वीक रिजल्ट देखने को मिला है। अगर हम शेयर की बात करेंगे तो 355.45 रुपीज़ पे शेयर क्लोज किया है, 1.4% का प्रॉफिट दिया है। 5 डे में 3.7% का प्रॉफिट है, 1 मंथ में 4.3% का लॉस है, 6 मंथ्स में 1.6% का लॉसेस है। तो गाइस कंपनी का शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है सो यहाँ पे देखिए रिजल्ट बहुत ही वीक पेश कर, चांसेस कि कल के दिन कंपनी का शेयर में फॉल देखने को मिल सकता है। अगर आप इसके शेयर ले रखेगा आप प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते तो वेट कीजिए गाइस। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।